हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हरीश बारबात्रे, फाउंडर फैकल्टी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग फिट होंगे, राइट। तो पिछले वीडियो में हमने इधर और केस जो थी अपनी इनइक्विटी की, राइट, हमारे जो इनइक्विटी की इधर और केस थी उसका पहला पार्ट देखा, राइट। इस वीडियो में हम लोग जो इधर और केस है, हमारी जो इधर और केस थी इनइक्विटी टॉपिक की, उसका हम पार्ट टू देखेंगे, ओके। उसका हम पार्ट टू देखेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो कुछ भी आपके ब्रेन में गार्बेज है या फिर इधर उधर की बातें चल रही है, वो सभी आपको निकाल के बाहर फेंक देनी है, राइट। क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस इनइक्विटी टॉपिक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, ओके, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताते पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने पिछला जो वीडियो है वो नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको क्लिक करके आपके आपको जो है दो लेक्चर्स पहले के वो सभी देख लेने हैं। उसी के बाद में ये लेक्चर पे आप आइए। हो सकता है डायरेक्टली अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो आपको शायद डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दो जो लेक्चर है मैंने अपलोड किए हैं उसको पहले से आप देख लीजिए, फिर आपको इस लेक्चर को देखना है, राइट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को आप देखिए। वो स्टेटमेंट कहता है एम इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इज इक्वल टू क्यू, लेस देन इक्वल टू पी, लेस देन जे, लेस देन इक्वल टू वाई, सेमी कॉलोन। यहाँ पे सेमी कॉलोन आया, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है जेड ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन एक्स, और आपको उसने कंक्लूजन दिए z इज इक्वल टू क्यू, एंड सेकंड कंक्लूजन आपका होता है z ग्रेटर देन क्यू, राइट। अभी देखिए सबसे पहले मैं कंक्लूजन को चेक करता हूं। तो कंक्लूजन को चेक करते समय मैंने आपको पहले से बताया था कि आपको जो पहले के रूल्स थे उसको यहां पे अप्लाई करनी है, राइट। तो फर्स्ट देखो यहां पे आपका स्टेटमेंट में कंक्लूजन में आपका सोर्स कौन सा है। सोर्स यहाँ पे आपका जेड है, तो ये सोर्स इसको मैंने ले लिया। आपका डेस्टिनेशन बताइए मुझे फटाफट। चलो स्टूडेंट्स फटाफट डेस्टिनेशन बताइए। डेस्टिनेशन आपका हो गया क्यू, तो यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ, राइट। तो मुझे जाना है जेड से क्यू। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो जेड है मेरा वो एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट है और जो क्यू है मेरा वो दूसरे स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, राइट। इस केस में मैं क्या करता था, इस केस में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्या करना है, आपको कॉमन अल्फाबेट फाइंड आउट करना है ये दोनों स्टेटमेंट से। तो आपका कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, तो ये ए है, राइट। मतलब एक कॉमन अल्फाबेट मतलब जो ऐसा एक सिंबल, ऐसा एक आपका अल्फाबेट होता है जो दोनों भी स्टेटमेंट में आपके प्रेजेंट है, तो वो है ए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो मेरा सोर्स है उससे चलना स्टार्ट करता हूं। तो गेट ओपन है, ये ए के पास पहुंचा। उसके बाद में मुझे जाना है कहां पे, क्यू पे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए है उससे डायरेक्टली मैं जंप करूंगा वो दूसरा जो ए रहता है हमारा कॉमन एलिमेंट का उस पर, और मुझे बढ़ना है इस तरफ क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन कहां पे है, ये क्यू है यहाँ पे डेस्टिनेशन। तो मैं बढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो गेट ओपन है, बी के पास पहुंचा, फिर से ये यहाँ पे इक्वल टू तो न्यूट्रल बताया था मैंने, तो क्यू के पास पहुंच गया। मतलब वो जेड से क्यू पहुंच रहा है, जो पहला आपका पॉइंट था वहां पे लिखे थे हमने फर्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटी के पार्ट वन में, सोर्स डेस्टिनेशन वो जा रहा है। अभी सेकंड आपको क्या चेक करना था, साइन के लिए। तो यहाँ पे साइन कौन सा है, इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू का साइन के लिए आपको क्या चेक करना था, जो आपका सोर्स डेस्टिनेशन था मतलब ये जेड से लेके ये वाले जेड से लेके राइट ये वाले क्यू तक, ये जो इतना पाथ कवर करना था आपको यहां से ऐसे यहां तक, तो वहां पे पूरे जगह पे आपको इक्वल टू अगर होता तभी ये जो है कंक्लूजन उसमें ट्रू होता, अदरवाइज फॉल्स होता, राइट। पर यहाँ पे है क्या, नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, राइट। मतलब इक्वल टू नहीं आया, तो इक्वल टू नहीं आया तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सभी जगह पे मुझे इक्वल टू चाहिए था, मतलब ये जेड से लेके पूरे यहाँ पे क्यू तक सभी जगह पे मुझे इक्वल टू चाहिए था, तभी जाके वो जो आपका कंक्लूजन है ट्रू होता, अदरवाइज इस कंडीशन में वो जो है वो फॉल्स है। सेकंड कंक्लूजन में आपका सोर्स क्या है, हाँ मुझे सोर्स बताइए। सेकंड कंक्लूजन में सोर्स है आपका जेड, ये हो गया आपका सोर्स। और आपका डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन आपका हो गया क्यू, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन ये लिख दिया है, राइट। चलो सोर्स और डेस्टिनेशन मुझको मिल गए हैं।
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में सोर्स मेरे सोर्स और डेस्टिनेशन मेरे प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करूंगा जो कि है यहाँ पे ए। चलो सबसे पहले हम सोर्स से कॉमन एलिमेंट की तरफ चलेंगे, तो जेड से जैसे मैं आगे बढ़ता हूं ए के पास पहुंच गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, वो जो कॉमन एलिमेंट था उससे डायरेक्टली जंप करना है आपके नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट पर, राइट। आपका नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट ये ए हो गया, और बाद में मैं क्या करता हूं, ये क्यू की तरफ बढ़ता हूं, तो गेट ओपन है बी के पास पहुंचा, फिर से गेट ओपन है वो क्यू के पास पहुंचा, अभी सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो पहुंच गया सक्सेसफुल। ओके, सेकंड क्या चेक करना था आपको, साइन के लिए, साइन के लिए मैंने बताया था, बराबर याद करो, साइन के लिए बताया था मैंने, साइन के लिए जैसे चेक करता हूं तो ये जो साइन है कम से कम एक लोकेशन पे मुझे चाहिए था, राइट। जो सेकंड पॉइंट आपको लिख के दिया था मैंने इनइक्वालिटी पार्ट वन में, मतलब ये जो साइन है कम से कम एक लोकेशन पे आपको प्रेजेंट चाहिए था। देखो यहां पे तो नहीं है, राइट, जेड से हम गए या ए पे तो यहां पे नहीं मिला, बाद में गए ये, बाद में मैं इसने ए, ये वाला जो ए है उस पर जंप किया था, यहां पर भी मुझे नहीं मिला और यहां पर भी मुझे नहीं मिला, एक भी जगह पर ये सिंबल नहीं मिला, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाता है आपका, फॉल्स हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो दोनों भी कंक्लूजन ये जो है आपके वो रॉन्ग हो गए आपके, राइट। तो दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, तो आप जिसको पता नहीं होगा ये जो केस है तो वो क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे उसका आंसर, ये वाला सी, बट इसका आंसर सी नहीं है, ध्यान से देखिए, ये जो दो कंक्लूजन है देखो इसमें आइदर और केस आपको चेक करना है, जब भी दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो जाते हैं और दोनों एलिमेंट जो है कंक्लूजन के सेम है तो आपको थोड़ा सा शक पकड़ना है कि ये इधर और की जो है ये केस हो सकती है आपकी, राइट। इसके पॉइंट्स क्या बताए थे मैंने, पहला पॉइंट्स आपको बताया था कि कंक्लूजन इन कंक्लूजन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, दोनों भी कंक्लूजन में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, देखिए सेम है जेड क्यू जेड क्यू। दूसरा क्या बताया था मैंने, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों भी जो है कंक्लूजन वो रॉन्ग होने चाहिए जब भी मैं वो रूल्स को अप्लाई करता, तो दोनों भी रॉन्ग हो गए। अभी आपको ये चेक करना है आइदर और की केस, राइट। चलो आइदर और की केस को चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको पिछले वीडियो में, जो दो एलिमेंट्स है उसको ले लीजिए, तो मैंने ये दो एलिमेंट्स को यहाँ पे ले लिया। चलो दो एलिमेंट्स में ले लिया, तो आप देखिए इनमें रिलेशन है कि नो रिलेशन है दो एलिमेंट्स में, तो कैसे पता करेंगे हम लोग रिलेशन है कि नो रिलेशन है, आपको चेक करना है कि वो जेड से क्यू के घर बराबर जा रहा है क्या सक्सेसफुली, जेड से क्यू के घर जा रहा है क्या, जेड से ए गया फिर यहाँ पे जंप किया यहाँ पे फिर बराबर वो क्यू पे चला गया, मतलब वो जेड से क्यू जा रहा है, तो जा रहा है तो ये किसकी केस होगी, ये हो गई आपकी रिलेशन की केस। ओके, इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूं रिलेशन केस, ये रिलेशन केस हो गई। रिलेशन केस में मैंने क्या बताया था आपको, रिलेशन केस में आपको क्या चेक करना है, चलो ये दोनों के बीच में ऐसा एक साइन पुट कीजिए जिसको पुट करके ये जो रिलेशन है आपका ट्रू आ जाए। ओके, ये दोनों तो फॉल्स है, राइट। वो क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू पुट किया तो फॉल्स किया आपने, यहाँ पे ग्रेटर देन पुट किया तो यहाँ पे आपने फॉल्स किया, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा साइन पुट कीजिए जिसको पुट करके ये जो है रिलेशन आपका ट्रू हो जाए। तो कौन सा साइन पुट करूं मैं, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर साइन पुट करता हूं तो ये जो कंक्लूजन मैं लेता हूं वो ट्रू आ जाता है। ओके, यहाँ पे अगर चेक करता हूं तो देखो जेड से क्यू जाना है, जेड से ए गया फिर ए से जंप किया फिर बी गया फिर क्यू गया, और दूसरा साइन के लिए अगर मैं चेक करता हूं तो ये वाला साइन यहां पर भी मिलता है मुझे, यहां पर भी मिलता है, और इक्वल टू, तो इक्वल टू को आपको तो छोड़ ही देना है, वो तो न्यूट्रल ही रहता, राइट। तो ये साइन मिल गया, मतलब ये ट्रू हो गया। अभी ये ट्रू हो गया तो आगे में वो बोलता है कि अगर मैं आपके कंक्लूजन के साइन को मिला दू, ये जो कंक्लूजन के साइन को मिला दू तो आपने जो रिलेशन फॉर्म किया है वो वाला साइन बनना चाहिए, तो बन गया ये इज इक्वल टू, और ग्रेटर देन को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बन जाता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब आपके रिलेशन के पूरे वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आपको ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे, आइदर वन और सेकंड इज ट्रू। ओके, भले ही दोनों भी रॉन्ग है ये, ओके ये दोनों भी रॉन्ग है फिर भी आपका आंसर ये आएगा, आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड इज ट्रू। आया समझ में? चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइंड को आपको ब्लैंक रखना है, कुछ भी माइंड में रखो मत। सेकंड क्वेश्चन, चलो इसमें कंक्लूजन देखो, चलो मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूं आपको। स्टेटमेंट है आर इज ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन डी, ये एक स्टेटमेंट हो गया बिकॉज यहां पे ये सेमी कॉलन आ गया। और सेकंड स्टेटमेंट आपका है एम इज लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू जे, आपके कंक्लूजन है डी इज ग्रेटर देन एम और सेकंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ओके, ये कंक्लूजन आपके निकल के आए।
कंक्लूजन वन में आपका सोर्स क्या है, आपका सोर्स है डी, तो यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, ये सोर्स है आपका। डेस्टिनेशन आपका है एम, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, डेस्टिनेशन ये एम हो गया आपका। सबसे पहले हमको चेक क्या करना है, दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे निकल के क्या आता है आपका, जे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जे कॉमन एलिमेंट निकल के आता है। तो सबसे पहले मुझे डी से स्टार्ट करना पड़ेगा जे की तरफ जाने के लिए। डी से जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे जे ने अपना गेट क्लोज करके रख दिया, राइट, यहाँ पे जे ने अपना गेट क्लोज करके रख दिया, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ इसे फॉल्स हो गया, राइट। आपको आगे में साइन के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, यही से ये फॉल्स हो जाता है, मतलब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया ही नहीं। सेकंड वाला चेक कीजिए, यहाँ पे आपका सोर्स क्या हुआ, सेकंड, इसमें सेकंड वाले कंक्लूजन में आपका सोर्स क्या हुआ, फटाफट बताइए मुझे, आपका सोर्स सेकंड वाले कंक्लूजन में चलो सोर्स हो गया आपका एम, राइट, सोर्स हो गया आपका एम, इसको यहां पे मैं सोर्स लिख देता हूं, और डेस्टिनेशन आपका हो गया डी, तो यहां पे मैं डेस्टिनेशन लिख देता हूं डी। चलो मुझे एम से डी की तरफ जाना है, राइट, तो आपका कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करो जे, तो जे यहां पे मैंने कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट किया, तो एम से जैसे निकला, यहां पे गेट क्या है आपका क्लोज है, राइट, यहां पे गेट क्लोज है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, मतलब ये यही से फॉल्स हो गया। अभी देखो एलिमेंट से मैं दोनों भी फॉल्स है, राइट, एलिमेंट से मैं दोनों भी फॉल्स हो फॉल्स है, तो आपको थोड़ा सा शक पकड़ना चाहिए, ये आइदर और की केस आपकी बन सकती है, ओके, बनेंगी ऐसा कंफर्म नहीं है, बन सकती है। तो इसके लिए मैं चेक क्या करूंगा, आइदर और केस चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स है इसको आपको लिखना है ये से, ओके, ऐसा एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखो यहाँ पे रिलेशन है कि नो रिलेशन दोनों में, तो हमने जैसे देखा वो जो है डी से एम के घर नहीं जा सकता था, राइट, बिकॉज गेट क्लोज था यहाँ पे, तो ये केस किसकी बन जाती है आपकी, ये नो रिलेशन वाली केस बन जाती है, राइट, ये नो रिलेशन वाली आपकी केस जो है वो बन जाती है। नो रिलेशन वाली केस मतलब कौन सी केस, ये पहली वाली नो रिलेशन वाली केस, राइट। चलो इसको चेक करो, नो रिलेशन वाली केस क्या बोलती है, आपके कंक्लूजन में एक ग्रेटर होना चाहिए, देखो यहां पे लिखा है आपके कंक्लूजन में एक ग्रेटर होना चाहिए, एक लेस होना चाहिए, और किसी भी एक के साथ आपका इक्वल टू होना चाहिए, राइट, एक ग्रेटर एक लेस और किसी भी एक के साथ इक्वल टू। देखो यहाँ पे ग्रेटर है इक्वल टू भी है, देखो ये इक्वल टू पर लेस वाला साइन यहाँ पे अब्सेंट है, दोनों भी साइन ग्रेटर के हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर क्या आएगा, ये आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट, ये आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में आपको ध्यान में रखिए ये डी ऑप्शन टिक करना है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज, ओके, वो सारे जो कंडीशन है आइदर और के अप्रोप्रिएटली फॉलो कर रहा है, बट लास्ट वाली जो कंडीशन है नो रिलेशन की, एक लेस होना चाहिए, यहाँ पे लेस वाला साइन जो है अब्सेंट है, इसलिए आपको नाइदर नॉर टिक करना है, ओके, आइदर और टिक नहीं करना है, ये आइदर और की केस नहीं बनती है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना जोश और जुनून आपको बनाए रखना है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। A इज लेस देन इक्वल टू D, लेस देन C, ग्रेटर देन इक्वल टू B, लेस देन E। कंक्लूजन से C इज ग्रेटर देन A, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। ये दो कंक्लूजन आपको चेक करने हैं, ओके, ये स्टेटमेंट को कंसिडर करके, राइट। सबसे पहला कंक्लूजन पे फोकस करो, इसके जो सेकंड कंक्लूजन है इसके लिए इसको थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाना है, फर्स्ट कंक्लूजन पे आपका पूरा फोकस बनाए रखिए। चलो फर्स्ट कंक्लूजन में आपका सोर्स हो गया C, यहाँ पे मैंने सोर्स लिख दिया। उसके बाद में आपका डेस्टिनेशन हो गया ए, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिख दिया। चलो चलना स्टार्ट करते हैं, सी से गेट ओपन है, डी के पास पहुंचा, फिर से गेट ओपन है, ए के पास पहुंचा, मतलब सी से ये ए जो है वो सक्सेसफुली जा रहा है। सेकंड हम चेक करके काय के लिए चेक करते हैं, साइन के लिए चेक करते हैं। चलो साइन के लिए चेक करो, ये जो साइन है उसके लिए अगर मैं चेक करता हूं तो ये जो साइन है मुझे कम से कम एक लोकेशन पे चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिए ये साइन ये रहे या फिर ये रहे उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, राइट, सिर्फ इसके साथ इक्वल टू लग के नहीं है, मतलब आपका सेकंड वाला जो पॉइंट था, मैंने मेरा जो इनइक्वालिटी का पार्ट वन, सिंपल इनइक्वालिटी का पार्ट वन उसमें बताया था, ये जो साइन है ये इसके लिए अगर मैं चेक करता हूं जिसको इनइक्वालिटी इक्वल टू लग के नहीं है तो कम से कम एक जगह पे प्रेजेंट चाहिए, तो देखिए यहां पे वो प्रेजेंट है, राइट, तो ये कंक्लूजन है आपका ट्रू हो जाता है, राइट। सेकंड वाला जो कंक्लूजन है उस पर फोकस कीजिए, सोर्स अगेन ए बन जाता है, आपका सोर्स क्या बन जाता है ए, राइट, ये सोर्स बन गया, और डेस्टिनेशन आपका बन जाता है सी, राइट,
ये आपका डेस्टिनेशन बन गया। चलो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ। ओके चलो मैं सो से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे गेट क्या है ये वाला, ये गेट क्लोज है, तो गेट क्लोज है तो क्या हुआ, मतलब ये ए से सी की तरफ जा ही नहीं सकता, तो ये यही से फॉल्स हो जाता है। आगे में आपको साइन के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, जो इधर और केस थी अपनी जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एलिमेंट्स सेम है दोनों भी, राइट, एलिमेंट्स दोनों भी सेम है, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, एलिमेंट सेम वाला, एलिमेंट जो थे सेम वाला, ये किस सेटिस्फाई कर रहा है, बट सेकंड जो कंडीशन इसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। जो दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग चाहिए थे मुझे, बट यहाँ पे एक ही कंक्लूजन रॉन्ग है, एक राइट है, तो इसका जो आंसर है आप सिंपल इनइक्वालिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगाएंगे, तो इसका आंसर आपको क्या टिक करना है, ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट, आया ध्यान में आपके। चलो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखिए, यहां पे देखिए आप देख सकते हो एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कितने भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। कंक्लूजन के कंक्लूजन पे हो जो फोकस कीजिए आप, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, आपका सोर्स क्या है, एम है, तो सोर्स मैं ये लिख देता हूं, सोर्स एम, चलो ये सोर्स लिख दिया। डेस्टिनेशन आपका ई है, चलो ये डेस्टिनेशन मैं ई लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ये डेस्टिनेशन डी लिख दिया यहाँ पे ई पे, राइट, डेस्टिनेशन है। तो मुझे एम से ई जाना है, तो देखिए एम से ई जाने के लिए मुझे पहले एम से इधर बढ़ना पड़ेगा, बट ये क्लोज है गेट, चलो गेट क्लोज है, तो यही से आपको रॉन्ग नहीं करना है। देखो ये स्पेशल केस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफरेंट है, यही से आपको रॉन्ग नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दो एम प्रेजेंट है, दो एम प्रेजेंट है, इसको सोर्स लिया तो वो नहीं जा पाया, राइट। मैं देखता हूं इसको सोर्स लेके यहाँ पे जाता है क्या, देखता हूं ये सोर्स ले लिया मैंने, ये डेस्टिनेशन ले लिया, चलो मुझे एम से ई जाना है, तो एम से मैं क्या किया, एम एम से मैं एक के पास पहुंचा, फिर ये वाले ए से मुझे क्या करना है, इस ए पे जंप करना है, उसके बाद में ए से मैं आर जाऊंगा, ठीक है आर पहुंच गया, फिर ये आर से आपको यहाँ पे जंप करना है इस वाले आर पे, देखिए आपको रूट बनाते हुए जाना है और मुझे पहुंचना है ई, बट यहाँ पे ई ने अपना गेट जो है वो क्लोज करके रख दिया है, इसलिए ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, राइट, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया फर्स्ट वाला कंक्लूजन, आया ध्यान में। चलो अगर ये आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, मैं अगेन यहाँ पे जो है उसका लिंक दे दूंगा आई बटन पे, राइट, उसको देखने के बाद ही आपको जो है पार्ट टू आइदर और केस जो है समझ में आ जाएगा। सेकंड सेकंड कंक्लूजन पे फोकस कीजिए, यहाँ पे मेरा सोर्स क्या हुआ, एफ, चलिए ये यहाँ पे मैं सोर्स लिख देता हूँ, डेस्टिनेशन मेरा क्या हुआ, ई, चलिए यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन लिख देता हूँ। चलो सोर्स से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं सोर्स से जैसे चलना स्टार्ट करता हूँ गेट ओपन है, एम के पास पहुंचा हूँ, एम से फिर यहाँ पे मैंने जंप कर दिया, राइट, फिर से गेट ओपन है ए के पास पहुंचा, ए से फिर से यहाँ पे मैंने इस ए पे जंप किया, उसके बाद गेट ओपन है आर के पास पहुंचा, ये आर के पास पहुंचने के बाद मैंने इस आर पे जंप किया, आपको ऐसे ही रूट बनाते हुए जाना है, राइट, फिर उसके बाद में यहाँ पे गेट क्लोज कर दिया, मुझे तो पहुंचना था ई के पास बट यहाँ पे गेट क्लोज है, तो यही से ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, राइट, वो सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहा है। थर्ड कंक्लूजन देखिए, थर्ड कंक्लूजन मुझे बताइए आपका सोर्स क्या है, थर्ड कंक्लूजन में आपका सोर्स क्या है, सोर्स है आपका ई, राइट, इसको मैंने यहाँ पे सोर्स लिख दिया, और आपका डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन आपका एफ है, तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिख दिया। चलो मुझे मेरे सोर्स और डेस्टिनेशन बन गए फटाफट से। चलो सेकंड में क्या चेक करता हूं, मैं ई से चलना स्टार्ट करता हूँ, राइट, ई सोर्स क्यों हुआ, क्योंकि ये जो साइन है उसका फेस ई की तरफ है, इसलिए ई सोर्स हुआ। चलो ई से मैं गया गेट ओपन है आर के पास पहुंचा, आर पे आर के बाद में मैंने इस आर पे जंप किया, जैसे मैं आगे पहुंचने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ए ने जो है मुझे मेरा जो गेट है वो बंद कर दिया है, राइट, मतलब मैं अगर ये चालू होता तो मैं ए के पास पहुंचा, फिर ए इस ए से ये वाले ए पे, फिर एम पे, फिर एम पे जंप करने के बाद ये इस एम पे जंप करता, फिर डायरेक्टली आप एफ पे पहुंच जाते, बट यहाँ पे यही पे क्या है, वो गेट क्लोज है, तो यही से ये जो है आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है, राइट, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए अभी फर्स्ट कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया, अभी ये जो दो कंक्लूजन है, ओके, ये जो उसमें आप देख सकते हो एलिमेंट सेम है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वो सेटिस्फाई किया। सेकंड ये जो है दोनों एलिमेंट्स तो सेम है,
ओके उसके बाद में जो है ये दोनों भी जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है, इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए थे तो वो रॉन्ग ही आए, राइट। अभी देखो आपको थोड़ा सा शक पकड़ना है, ये दोनों कंक्लूजन में आइदर और केस लग सकती है, राइट, लग सकती है, लगेगी, ऐसे ही नहीं, सिर्फ चेक करना है आपको। अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो मैं चलता हूं नेक्स्ट, रिलेशन नो रिलेशन पे। तो मेरे दो एलिमेंट्स कौन से हैं, सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए आप एफ और वी, ये दो एलिमेंट्स आपके हुए हैं। अभी चेक करना है आपको इसमें रिलेशन है कि नो रिलेशन है, तो देखिए यहां पे नो रिलेशन है। क्यों नो रिलेशन क्यों है, बिकॉज वो एफ से ई जा ही नहीं रहा है, इसलिए यहां पे नो रिलेशन निकल के आता है, मतलब ये वाली केस, राइट। चलो नो रिलेशन है तो नो रिलेशन के इसमें वो क्या बोलता है, एक ग्रेटर होना चाहिए, कहां पे, आपके कंक्लूजन में, ये वाले ये कंक्लूजन में एक ग्रेटर होना चाहिए, एक लेस होना चाहिए, और किसी भी एक के साथ आपका इक्वल टू प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहां पे मुझे ग्रेटर भी मिल गया, लेस भी मिल गया और इक्वल टू भी मिल गया, मतलब ये तीनों जो साइन है यहां पे प्रेजेंट है, तो उसका आंसर आप टिक क्या करोगे, ये दोनों जो कंक्लूजन है उसमें अभी ये आइदर और की कंडीशन यहां पे लग जाती है, राइट। आइदर और की कंडीशन मतलब इसका आंसर आप क्या टिक करोगे, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, राइट। इसके बाद में मैं वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज जैसे कि आपको पता है उसके कुछ चार्जेस वगैरह तो लगते नहीं है, तो फटाफट से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट, और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस बनाइए, स्टे कॉन्फिडेंट।